व्हाट्सअप गाइस, इस मानव आज मिलेंगे एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि है हमारा बेबी से रिलेटेड। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मेरा ऑलमोस्ट बेबी 9 महीने के आसपास हो गया है और वो हल्का सा जो है सहारे से चलना शुरू हो गया है। तो सबको पता है बच्चे जो है गिरते हैं और उनको चोट लगती है, पर घर में आपकी जो टेबल है या कॉर्नर्स वगैरह होती है उनकी, तो उनके कॉर्नर बहुत ज्यादा शार्प होते हैं और वो जो है काफी ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। मेरा भी 2-4 बार बेबी गिर चुका है, कभी यहाँ पे लग जाती है, कभी मुंह पे लग जाती है। तो इन्हीं चीजों को बचने के लिए एक टेप आती है और कॉर्नर के लिए स्पंज आते हैं। मैंने काफी सारे ढूंढे हैं और ये वाला मुझे सबसे बढ़िया लगा है, मुझे 750 रुपये का पड़ा है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है और काफी सारे मैंने चेक करे हैं, वह सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मुझे यही मिला है। तो इसी प्रोडक्ट का मैं आपको नीचे लिंक डाल दूंगा। हो सकता है कि अभी ये नया नया प्रोडक्ट है और नया नया आदमी बेच रहा हो, तो जब आप शायद वीडियो देखें तो शायद उसका प्राइस बढ़ जाए, तो उसके लिए मेरी गलती नहीं होगी। तो फिर भी मैं वीडियो लिंक नीचे लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। आइए इसको खोल के देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। साथ ही साथ एक ये पैकेट और मिला है, इसके अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कुछ हमें शायद दिया है कि नहीं है उन्होंने। तो ये हमारा बिल है, चलिए कोई बात नहीं, और ये हम इसको खोल के देखते हैं। तो ये हमारे 2 सेट आए हैं, साथ ही साथ अलमारी जो होते हैं खोलने के लिए उसके लिए भी स्टॉपर है, वो आपको नॉर्मली अलग से खरीदने पड़ते हैं। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा क्लोजअप से। तो ये 2 आइटम आए हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हैं। अगर आप अमेजोन से अकेले अगर ये चीज़ खरीदेंगे तो आपको शायद ये 450-450 के आसपास पड़ेगा। अभी हमें ऑलमोस्ट 350 के आसपास पड़ा है, जो कि 50-60 रुपये पर पैकेट सस्ता पड़ा है। तो आइए इसको खोल के देखते हैं कि क्या क्या मिलता है और आप इसको कैसे लगा सकते हैं। तो ये मैं इसको खोलता हूँ और एक पैकेट को आपको खोल के दिखाता हूँ कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारे कॉर्नर्स हैं और मुझे ये हमारा जो है ड्रॉर्स को बंद करने के लिए, ये भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको लगा सकते हैं। और काफ़ी कमाल की चीज़ है, बच्चे जो ड्रॉर खोलते हैं उसके लिए आपका बहुत बढ़िया सेफ हो जाता है। साथ ही साथ ये हमें मिलती है टेप, अलग से 3 mm की टेप है, आपको इसके अंदर लगानी पड़ेगी। इसके अंदर आई थिंक हमारी टेप लगी हुई नहीं आती, हम अभी खोल के इसको देख ही लेंगे। वैसे ये जो है हमने अपना निकाल लिया। तो ये जो हमारा है 2 मीटर का होता है। तो ये कॉर्नर्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा शार्प होते हैं हमारी टेबल के। अगर मैं आपको अपनी टेबल दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मेरा बेबी चलने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह यहाँ पे लग सकता है। तो हम इसकी टेप यहाँ से निकाल के इस तरीके से कॉर्नर पे लगा देंगे। और डबल टेप है 3 mm की, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग 3 mm की टेप ही होती है। तो उसको निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी आपको भी, और आसानी से बच्चे से भी नहीं निकलेंगे। और ये हमारा जो रोल है, इसके अंदर चेक करते हैं कि टेप है कि नहीं। जी हाँ, इसके अंदर टेप नहीं है, आपको अपनी खुद जो है टेप लगानी पड़ेगी। आपको ये हमारे साथ में टेप मिली है, इस टेप को आपको इसके अंदर चिपकाना पड़ेगा दोनों तरफ, और फिर आपको अपनी जो जहाँ पे भी आपको लगाना है, जैसे कि इस टेबल के ऊपर हूँ मैं, तो यहाँ आपको ऐसे अपने कॉर्नर से आप लगा सकते हैं। और अभी मैंने टेप नहीं लगाई, अगर टेप लगाऊंगा तो ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा, ताकि जो है शार्प कॉर्नर से भी आपका बेबी बच सकता है और कोई भी उसको डैमेज नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, साथ ही साथ जिनकी मार्बल की टेबल होती है या जिनकी कांच की टेबल होती है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ चीज़ है ये। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ। देखिए ये स्पंज जैसी चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको आप टेप से लगा के जहाँ मर्जी आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं कैंची से, कहीं आपको छोटा बड़ा लगाना हो तो आप अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी साइज़ के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो अब मैं जहाँ पे मुझे लगाना है अपनी टेबल के कॉर्नर पे, वहाँ मैं लगा रहा हूँ। आप पहले लगाने से पहले जहाँ भी आपकी टेबल हो उसको अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि अगर मिट्टी होगी तो जो गम होती है टेप की वो अच्छे से चिपकेगी नहीं। तो अच्छे से आप जो जगह को साफ़ कर ले कपड़े से या गीले कपड़े से, फिर सूखने दें, फिर उसके बाद अपनी लगाइए। तो यहाँ जो टेप लगी थी ये मैंने टेप जो है वो निकाल दी है। अब जो है यहाँ पे मुझे ऐसे करके बस लगाना है और इसको टाइट से आपको दबा देना है, और अब जो है ये नहीं निकलेगा। 3M की टेप है, लगाते ही जो है चिपक जाती है, पर फिर भी आप जो है थोड़ा सा जो जान से ऐसे लगाइए ताकि जो है अच्छे से फिक्स हो जाए। तो अब आप देखिए
एकदम नोकीला की तरह शार्प था। अब मैं अपना हाथ जो इस पर मार रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, तो बच्चे को तो क्या ही डैमेज होगा। तो देखिए, ये मैंने अपना ड्रॉर स्टॉपर लगा लिया है। दोनों तरफ टेप होती है, आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टेप से लगा देना है। टेप का निकाल के अच्छे से एरिया साफ़ कर लीजिए। फिर से बताना चाहूँगा, गम अगर मिट्टी होगी तो वो गम अच्छे से चिपकेगी नहीं। तो ये हमारा एडजस्ट करने के लिए जो पट्टी है, अगर आप इसको ऐसे खोलेंगे तो आप जो है इस पट्टी को निकाल भी सकते हैं। अभी मैंने अच्छे से टाइट कर रखा है और आप इसको वापस से बंद कर दीजिए। अगर आपको ड्रॉर खोलना हो तो आप देखेंगे मैं ड्रॉर हमारा जो है नहीं खुल रहा, तो मुझे क्या करना है इसके लिए, यहाँ पे हमारा स्प्रिंग बना हुआ है, इसको स्प्रिंग खींचिए, ऐसे खोलेंगे तो अब जो है हमारा ड्रॉर जो है आसानी से खुल जाएगा। और जब हमारा बंद करना हो तो इसके अंदर अब हमें ऐसे लगा देना है। तो क्या होगा, अब फिर से नहीं खुलेगा, तो बेबी जो है इस ड्रॉर को खोलने की कोशिश करेगा और वो उससे खुलेगा नहीं। बड़ी ही कमाल की चीज़ है ये, और बड़ी ही बढ़िया चीज़ है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से टूटेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी बेबी सेफ्टी किट। और सच्ची बताना चाहूँगा, पहले खरीदने से पहले मैं कई बार सोच चुका हूँ कि इसको लू के ना लूँ, मुझे लग रहा कि पैसा की बर्बादी होगी, इसमें कुछ भी खास नहीं होगा। खरीदने के बाद, कॉर्नर्स पे लगाने के बाद और यूज़ करने के बाद मुझे जनरली लगा कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये जो डोर ड्रॉर को स्टॉप करने वाला है वो तो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा है। एक ही बटन में आप खोलिए, एक ही बटन में आप जो है इसको लॉक कर दीजिए, काफ़ी कमाल चीज़ है। ये बहुत अच्छी बताने को, जिसके साथ हमें टेप मिलती है, अगर आप पूरी की पूरी भी यूज़ कर लेंगे इन सब के अंदर तो भी आपकी बहुत सारी टेप बचेगी। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी टेप होती है, आप घर के अंदर और भी कई जगह पे आप इस तरीके की टेप को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यही बताने चाहूँगा, ये वाला प्रोडक्ट जो है मैं वीडियो नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको अमेजोन से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।